वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए वीडियो सीरीज की जिसका नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ह्यूमन वैल्यूज। इस सीरीज में हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, साथ ही साथ ह्यूमन वैल्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसे कि हिंदी में व्यक्तित्व विकास भी कहा जाता है, वह आदमी की वह क्षमता है जिसमें कि वह हजारों में एक पहचान में आए। इस कोर्स से हम सीखेंगे कि किस तरह से हम हमारी पर्सनालिटी को एक नया आयाम दें, हम किस तरह से हमारी पर्सनालिटी को यूज करके और जीवन में आगे बढ़ें, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो सर्विस यानी कि नौकरी हो, चाहे वो समाज हो। दिस कोर्स विल गिव यू अ लीड टू इंप्रूव योर पर्सनालिटी इन अ वे दैट यू विल ऑलवेज हैव अ गुड एंड प्लीजिंग पर्सनालिटी अहेड। हमेशा आप जब 10 लोगों में खड़े होंगे, कॉन्फिडेंटली खड़े होंगे और आप अपने प्रतिभा का सही रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कोर्स में हम दो तरह की बातें करेंगे, एक एकेडमिक और एक व्यवहारिक, यानी कि जो एकेडमिक रूप से क्या डेफिनेशन है, क्या ट्रेट्स हैं, पर्सनालिटी के बारे में क्या कहा जाता है, और दूसरी और ह्यूमन वैल्यूज के बारे में क्या कहा जाता है, और दूसरा व्यावहारिक रूप से हमें क्या करना चाहिए और कैसा बनना चाहिए, हम इन दोनों का समावेश इसके अंदर करने जा रहे हैं। पर्सनालिटी की हम बात करते हैं तो पर्सनालिटी के मुख्य रूप से तीन कंट्रीब्यूटर होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को तय करते हैं, गॉड, सेकेंडली योर फैमिली एंड थर्डली यू। इसी तरह से आपको डिटरमिनेंट जो है ना, वो तीन माने जाते हैं एकेडमिकली। ये तो मैंने आपको बात की थी व्यावहारिक रूप से, एकेडमिकली क्या माने तो तीन माने जाते हैं, कौन कौन से, हेरिडिटी, एनवायरमेंट एंड सिचुएशन, ये तीन डिटरमिनेंट्स हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे थ्योरीज की। मेनी साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड थ्योरीज अबाउट पर्सनालिटी, हाउ टू डिस्क्राइब इट, हाउ इट इमर्जेस, व्हाट इन्फ्लुएंसेस इट, हाउ इट चेंजेस, एंड व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ हेल्दी और एन एबनॉर्मल पर्सनालिटी। Here you will learn about the three most important personality theories: psychoanalytic theory, behaviorism, and humanism. Why should we develop the personality? हमारी importance है क्या उसकी और उससे क्या फायदा हो? हमें personality develop कर ली मैंने भी, तो मुझे उससे क्या फायदा हो? The very first thing is the confidence. It will create confidence in you. दूसरा point क्या आता है? Credibility. आपकी साथ बनती है। तीसरा जो इसका फायदा है, वह है interaction. इंट्रैक्शन यानी कि जब आप बात करते हैं दो लोगों से। The fourth is leading and motivation. अगर आपके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हो गया है, then you can be a good leader. Then comes curiosity. आप में उत्सुकता जो है वो जागती है। Then communication skill वह डेवलप हो जाएगी। The next benefit is empowerment. And last but not the least, I always say it the most important thing. That is your positive attitude. एटीट्यूड चेंज हो जाएगा आपका, एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा, आपको दुनिया को, जहान को, जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाएगा जब आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो जाएगा। आफ्टर डेवलपिंग पॉजिटिविटी, यू विल सी अ चेंज इन द मिरेकल इन योर पर्सनालिटी। दीज आर द फ्यू बेनिफिट्स टू योर पर्सनल डेवलपमेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग।